पराठा आ गया हमारा, एक चाय भी आ गई है। कल भाई आपकी नींद खराब कर दी है इसने आपको। नवदीप भाई कौन है? गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो भाई आज से इवनिंग शिफ्ट है, शायद दो दिन के लिए रहेगी इवनिंग शिफ्ट। 11:30 बजे का टाइम हो गया, बस रेडी होने जा रहा हूँ। पानी गर्म हो गया था, मैंने लगा दिया था बीच में उठ के। दूसरा जीना तो चला गया ड्यूटी। चाय मैं अपने वहीं पीऊँगा रास्ते में, दोस्त के वहाँ जिसकी शॉप है, दुकान है। और बाकी कुछ नहीं, रेडी होते हैं। आप अपना कल का व्लॉग बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको। दूसरा, होप यू आर ऑल इन्जॉइंग माई वीडियोज़, और इन्जॉय करते रहिए और हंसते रहिए, और क्या चाहिए लाइफ में। भाई साहब मैं तो हो गया हूँ रेडी, बट ये रेडी तो हो गया लेकिन इसका मन नहीं कर रहा है जाने का, क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी कल से, दवाई खा के ये कर रहा है रेस्ट। तो क्या करना चाहिए, इसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो इसे और सो जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, और जब पूरा फिट एंड फाइन हो तो उसके बाद ड्यूटी आए। क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ भाई, फिर मैं बीच ड्यूटी में से याद आऊँ। क्या बोलूँ मैं भाई साहब, भाई साहब क्या बोलूँ मैं? नवदीप भाई कौन है? कौन है नवदीप? जानकार है। पूरा रास्ता खोद दिया यार इन्होंने, यहाँ तमाम गंदा कर दिया है। हेलो पीपल, वेलकम बैक। फाइनली निकल गया हूँ ड्यूटी से। 11:30 का टाइम है, 11:30 PM, और साथ में नवदीप भाई हैं, हरीश भी है। हेलो गाइस, हेलो गाइस बोल रहे हैं नवदीप भाई। तो लॉकर में आए हम लोग, अभी निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ा खाना खाने जाएंगे, भूख लग रही है। आज डिनर नहीं कर पाए तो अभी जाके हम लोग डिनर करेंगे। और हमारे साथ ना कल्याण जी हैं, कल्याण जी तो उनका क्या सीन है, जैसे ही मैं कैमरा निकालता हूँ ना ब्लॉग शूट करने के लिए, तो वो चेंज कर रहे होते हैं, वो मुझे देख के भाग जाते हैं कि कभी मुझे शूट ना कर ले। ऐसा सीन है उनका। चलो चलते हैं बाहर, फिर उसके बाद खाते हैं कुछ। पहुंच गए हम अपनी पार्किंग में, बाइक ले लेते हैं हम और बाइक लेके निकलते हैं। लाइट ना यहाँ पे देखो कैसे जबरदस्त लाइट लगी हुई है, बस ऊपर पूरी एक। पूरी पार्किंग खाली भाई, हम ही हैं सबसे लास्ट में जाते हैं जो। और आपको पता ही है पार्किंग मुझे कहाँ मिलती है, लास्ट में, हमेशा लास्ट में। भाई साहब क्या बोलूँ, क्या बोलूँ भाई साहब, भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं अब। तो भाई सदाबहार आ गए हम लोग, साथ में हरदा है। ये देखो हरदा की स्माइल रहती है हमेशा चेहरे में, बिल्कुल। और साथ में है नवदीप भाई। हेलो दोस्तों, तो पराठे हमने ऑर्डर करे हैं खाने के लिए, पराठे आ जाएंगे अभी, साथ में चाहिए। बहुत भीड़ रहती है वैसे यार रात में, लेकिन आज लोग कम है। बहुत देर हो गई पराठे का वेट करते करते, और दो बार तो नवदीप भाई चले गए उसके पास कि भाई हमारा पराठा दे दे, क्या सीन हो गया, क्या कर रहा है। तो अभी वो बना ही रहा है, हम बैठे हुए हैं, अब कई देर से बैठे हुए हैं, करीब 20-25 मिनट हो गए हमें बैठे हुए, एक चाय पी लिए, एक चाय और ऑर्डर करनी पड़ेगी। अब भाई साहब सेल बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, पराठे नहीं दे रहे, कह रहे हैं एक चाय और पीनी पड़ेगी, तो एक चाय और पिलाते हैं इनको और पराठा दे नहीं रहे, तो अब एक चाय और ऑर्डर करेंगे तो इनकी 10 रुपये की सेल और बढ़ जाएगी। क्या बोलूँ भाई साहब, भाई साहब क्या बोलूँ, नब तो नवदीप भाई को तो नींद ही आने लग गई यहीं पर, नवदीप भाई को नींद आने लगी है। ये देखो ये हैरी, हैरी भी सोने को बिल्कुल तैयार बैठा है, मोबाइल में खो गया है, खो बहुत नींद आ रही है। क्या करें भाई साहब, वेट कर रहे हैं ना पराठा का, पराठा आए तो खाएं उसके बाद घर जाएं। तो भाई फाइनली पराठा आ गया हमारा, एक चाय भी आ गई है, तो
बढ़िया तंदूर वाला पराठा बना के दिया इसने, और नवदीप भाई तो उस पर टूट पड़े हैं बिल्कुल टूट, जैसे भूखे शेर टूटते हैं ना भैंसों के ऊपर, भूखे शेर टूटते हैं ना भैंसों के ऊपर, वैसे ये भी टूटे हैं और वैसे ये देखो हरदा भी टूट पड़ा है, बिल्कुल सांस तक आनी नहीं कर रहे हैं, सांस तक नहीं लेंगे बोल रहे हैं। सो फाइनली पहुंच गया हूं मैं रूम पे, बाइक लगा दिया पार्किंग में, नवदीप भाई को तो ठंड लग रही है लेकिन मुझे तो ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी, दूध लेके आए हैं, बोल रहे हैं यशपाल के रूम पर जाके चाय बनाएंगे, पहले उसे डिस्टर्ब करेंगे फिर चाय बनाएंगे। यार वाओ पीछे का लुक बहुत अच्छा आ रहा है यार, है ना, बताना मुझे कमेंट करके, अच्छा लग रहा है, रात में मैंने कभी देखा नहीं पहले, वेरी नाइस। चलो यशपाल के रूम पर चलते हैं, दिखाता हूँ मैं उसका क्या क्या रिएक्शन रहेगा जैसे उसके रूम खटखटाएंगे हम। यशपाल भाई आपकी नींद खराब कर दी है इसने, आपका क्या कहना है इसके पीछे, आप क्या कहना चाहते हो, तुम्हें बताओ पहले तुम्हारी ड्यूटी कौन सी है कल, कितने बजे? तो फिर यार इनको तो गलत ही डिस्टर्ब कर दिया नवदीप भाई तुमने, पिएगा तो भी चाय पिएगा तो बनाते हैं तो छोड़ रहे हैं फिर यार, सॉरी यार इसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है बहुत गलत, और इसकी ड्यूटी है सुबह 8 बजे की। तो भाई नवदीप भाई ने कर दिया है उसको डिस्टर्ब यशपाल को, अब देखो इन्होंने ढाबा बोल दिया है हरीश के रूम पे, तो हरीश के रूम पे इन्होंने ढाबा बोल दिया है, चीनी और चाय पत्ती तो लेकर आ गए वहीं से, दूध हम लेकर आए थे, अब चाय हम बना रहे हैं हरदा के रूम पे, ठीक है, उसके बाद चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद हम जाएंगे सो। बढ़िया भाइयों के लिए पराठे लाए हैं ये भी बताओ। अच्छा हाँ नवदीप भाई ने क्या करा ना, पैक भी कराए पराठे, तो नवदीप भाई ने पराठे जो है पैक भी कराए हैं देखो। अरे पराठे बने भी हैं रूम पे, कपिल के रूम पे पराठे बने हैं, और नवदीप के रूम पे नहीं कपिल के रूम पे पराठे बनाए भी हैं बोल रहे लोग, बट इसके लिए तो हम सदाबहार से अभी लेके आए पराठे, तो रात का वहीं पे है, बढ़िया सब कुछ मिलता है वहाँ पे, बनाएंगे दूध डाल के। फाइनली रूम पे आ गया हूँ मैं, दरवाजा खटखटा लेता हूँ, जीना सो रहा होगा अभी, बहुत लेट हो गया यार, 1:30 बज गया है, चाय पी रहा था नीचे हरीश भाई के रूम पे, वहीं बैठा रह गया, तो दरवाजा खटखटा लेता हूँ, जीना सो गया होगा वैसे। उठ गया जीना, चलो भाई साहब गुड नाइट।